अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा सबक नंबर 6 है, जिसमें हम सीखेंगे आगे के अल्फ़ाबेट्स बनाना। हमने ओ तक के अल्फ़ाबेट्स सीख लिए थे, आज हम सीखेंगे पी क्यू आर एस टी। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पी से। तो हम एक सीधी लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, इसके बाद हम बिल्कुल रेड लाइन से लेते हुए ब्लू लाइन तक आएंगे, जैसे हम बी में ड्रॉ कर रहे थे ना ऊपर का, ऐसे ही पूरा ऐसे पी में ड्रॉ करेंगे। बी में हम एक और ड्रॉ कर रहे थे, लेकिन बी में सिर्फ हम एक ही गोल ऐसे ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, पी। पहले हम ऐसे सीधी लाइन लेंगे, इसके बाद हम ऐसे गोल ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर लाकर हम पेंसिल छोड़ देंगे, ये हमारा बन गया पी। इसके बाद हम क्यू बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हमने ओ बना लेना है, जैसे हम ओ बना रहे थे यहाँ पर लाके। इसके बाद आपने यहाँ पे किनार से लेकर यहाँ पे एक छोटी सी लाइन ड्रॉ करनी है, तो ये हमारे पास क्यू बन जाएगा। इसके बाद हमने क्या करना है, बिल्कुल एक और पी की ड्रॉ तरह ही ड्रॉ करना है। सीधी लाइन लेकर ऐसे इस तरफ हम ब्लू लाइन पे ऐसे गोल छोड़ देना है यहाँ से। इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे जहाँ पे हमने छोड़ा है यहीं से लेते हुए एक सीधी तिरछी लाइन छोटी सी लगाएंगे, तो ये हमारे पास आर बन जाएगा। इसके बाद आप एस के लिए बिल्कुल गौर से देखिएगा, हम क्या करेंगे, रेड लाइन से थोड़ा सा नीचे से लेते हुए हम क्या करेंगे, यूँ ऐसे गोल करेंगे और यहाँ पर लाकर छोड़ देंगे। ऐसे रेड लाइन से लेते हुए यहाँ तक क्लिक कराएंगे, ऐसे ही। अब इसको रिवर्स घुमाना है, बिल्कुल पीछे की तरफ घुमाना है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे यहाँ से ब्लू लाइन पर लेते हुए यूँ इस तरफ ब्लू लाइन से ऊपर कर देंगे, ठीक है। एक और बार हम इसे बना लेते हैं, रेड लाइन से नीचे लेते हुए आप इसे थोड़ा सा गोल करेंगे। गोल करने के बाद यहाँ ऐसे तिरछा लेकर आएंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, ऐसे गोल करते हुए ब्लू लाइन से थोड़ा सा ऊपर लाते हुए छोड़ देंगे, तो हमारे पास एस बन जाएगा। इसकी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा घर पर। इसके बाद हम टी बनाएंगे, तो हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद आप इसे ऊपर तिरछी ऊपर एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे रेड लाइन पे, तो ये हमारे पास टी बन जाएगा। इसके बाद हम वापस से अपना सबक लिखते हैं। तो पी में आप क्या कर रहे थे, एक सीधी लाइन ड्रॉ कर रहे थे। इसके बाद आप ऐसे पी में बी की तरह ऊपर जैसे गोल बना रहे थे, वैसे गोल बना रहे थे, ब्लू लाइन पे लाकर छोड़ रहे थे। मैं जैसे जैसे ड्रॉ कर रही हूँ आपने वैसे ही ड्रॉ करना है, उल्टा सीधा नहीं ड्रॉ करना के पी को यहाँ से यूँ ले गए, नहीं। जैसे हम ला रहे हैं ऊपर से नीचे, ऐसे ही आपने लेकर आना है। और ऐसे ही क्यू भी बनाना है, जैसे मैंने यहाँ से शुरू किया है और यहाँ पर लाकर ख़त्म किया है गोल को, तो आप यहीं पर लाकर छोड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप यूँ ऐसे करके गोल बना रहे हो, ऐसे बिल्कुल नहीं बनाना। जैसे मैं पेंसिल जहाँ से रख रही हूँ, जहाँ पर छोड़ रही हूँ, आपने भी बिल्कुल ऐसे ही बनाना है मेरे साथ साथ। इसके बाद आपने यहाँ से पेंसिल रखते हुए एक छोटी सी लाइन में ऐसे ड्रॉ करनी है, तो ये आपका बन जाएगा क्यू। इसके बाद हम आर बनाएंगे, ऊपर से लेते हुए हम नीचे तक लाइन एक सीधी लाएंगे। इस यहाँ पर हमने ये पी की तरह ड्रॉ कर लिया, ऐसे यहाँ पर ब्लू लाइन पे ला कर पेंसिल रखते हुए इसके ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ करनी है, तो ये आर यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। आपने बिल्कुल भी उल्टा सीधा ड्रॉ नहीं करना, जैसे मैंने किया है, मेरी पेंसिल को बिल्कुल अच्छे से देखिए, उसके बाद आप ड्रॉ करिएगा। इसके बाद हम एस ड्रॉ करेंगे, तो हम ये रेड लाइन के नीचे रखते हुए थोड़ा सा इसे ऊपर लेकर जाएंगे, फिर इसे घुमाएंगे और ये नीचे लेकर आएंगे। फिर इसके बाद हम वापस इसे गोल करेंगे और इसे ऊपर यहाँ पर लाकर छोड़ देंगे। इसके बाद हम अब टी बनाते हैं, तो टी के लिए सीधी लाइन ड्रॉ कर पेंसिल छोड़ दी यहाँ पर। इसके बाद हमने बिल्कुल एक सीधी लाइन ड्रॉ की, छोटी सी और पेंसिल छोड़ दी, तो ये हमारे पास टी बन गया। अब हम अपना ए से लेकर टी तक सारे अल्फ़ाबेट्स को लिखेंगे। अब हम अपने सारे अल्फ़ाबेट्स बनाने लगे हैं, आप अच्छे से इसे घर पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सबसे पहले हम बनाते हैं ए। आप बिल्कुल गौर से मेरी पेंसिल को देखते जाइए कि मैं कहाँ पर पेंसिल रख रही हूँ और कहाँ पर पेंसिल छोड़ रही हूँ। यहाँ से एक सीधी लंबी लाइन ला के छोड़ दी पेंसिल, इसके बाद ऐसे गोल किया और वापस इसे ऐसे गोल किया। बिल्कुल आराम आराम से देख देख के बनाइएगा। इसके बाद हम सी ऐसे गोल करेंगे।
इसके बाद हम डी बनाएंगे, एक लंबी सीधी लाइन और फिर ऐसे बड़ा सा गोल, तीन लाइनों वाला। इसके बाद हम क्या करेंगे, ई बनाएंगे सीधी लाइन, ऊपर नीचे दो इक्वल लाइन, बराबर लाइन, इसके बाद बीच में छोटी लाइन। इसके बाद हम एफ बनाएंगे, एफ बिल्कुल ई की तरह बनेगा, बस तीसरी लाइन नहीं थी। इसके बाद जी बनाएंगे, तो जी हमने बिल्कुल सी की तरह बनाना है, लेकिन इसे थोड़ा सा ऊपर ले जाके वो अंदर कर देना है जी की लाइन को। इसके बाद हम एच बनाएंगे, इसके बाद हम एच ड्रॉ करेंगे, तो हम दो सीधी से लाइन लेंगे, इसके बाद ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, यहाँ पर छोड़ देंगे। इसके बाद हम आई बनाएंगे, एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, ऊपर नीचे जो छोटी सी लाइन जैसे ड्रॉ करेंगे, हमारे पास आई बन गया। इसके बाद हम जे बनाएंगे, तो जे के लिए हमने सीधी लाइन लेके ऐसे ही नीचे आके गोल करना है और ऊपर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद हम के बनाएंगे, एक सीधी लाइन, एक ब्लू लाइन तक ऐसे तिरछी लाइन, ब्लू लाइन से शुरू करते हुए ऐसे लाइन, ठीक है। इसके बाद हम एल बनाएंगे, एक सीधी लाइन, इसके बाद ऐसे छोटा सा यू कर देंगे हम। इसके बाद एम बनाएंगे, एम ऐसे नीचे करेंगे, इसके बाद हम एक तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हमने पिछले सबक में सीखा था, आपको अब तक ये आ गया होगा बनाना। इसके बाद हम एन ड्रॉ करेंगे, पहले ऐसे सीधी लाइन, फिर ऐसे तिरछी लाइन, फिर इसी लाइन से ऊपर ऐसे ले जाते हुए। इसके बाद ओ के लिए हम पूरा ऐसे गोल बनाएंगे। अब आज का सबक है हमारा, तो हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, इसके बाद हमने ऊपर की तरह ऐसे बी की तरह गोल बना देना है। इसके बाद हम पहले ओ बनाएंगे और फिर इसमें एक छोटी सी लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे करके, तो ये हमारे पास क्यू बन गया। इसके बाद हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, पी की तरह ऐसे बनाएंगे बिल्कुल, और यहाँ पे जैसे हमने के की तरह ऐसे ड्रॉ किया था, इसमें भी बिल्कुल ऐसे ही ड्रॉ करना है। आर बन गया, इसके बाद हमारे पास है हमारा एस और टी, ऐसे है यूँ गोल करके फिर ऐसे नीचे ला के गोल करना है बिल्कुल। इसमें बहुत मेहनत है, इसे आपने बिल्कुल अच्छे से देखते हुए प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, ऊपर भी सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये था आज का हमारा सबक, जिसमें आपने सीखा ए से लेकर टी तक बिल्कुल अपने अल्फ़ाबेट्स। अब हमारे पास थोड़े से अल्फ़ाबेट्स रह गए, इसके बाद हम एक पूरी ABCD लिखना सीखेंगे बिल्कुल लाइन्स पर। तो उम्मीद है कि आपको हमारा लेसन आज का पसंद आया होगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।